बुलंदशहर में महिला कांस्टेबल पर दरोगा द्वारा एफआईआर कराए जाने के बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो एक वर्ष पुराना उस वक्त का बताया जा रहा है जब महिला सिपाही रितिका गौतम का कोर्ट थाने में तैनात थी। वीडियो में कांस्टेबल पुलिसकर्मियों से हॉट टॉक करती नजर आ रही है। महिला सिपाही थाने में खड़े पुलिस वालों को जूतों से मारने की धमकी देते तथा खुलेआम मुंह पर थूकने तक की आपको बता दें कि कुछ दिन पहले महिला सिपाही रितिका गौतम द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्र और थाने के दरोगा लोकेंद्र पर छेड़छाड़ और शोषण का आरोप लगाया था। आरोपों की जांच विशाखा समिति से कराई गई तो जांच में आरोप गलत साबित हुए, जिसके बाद दरोगा लोकेंद्र ने महिला कांस्टेबल के खिलाफ बुलंदशहर नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। यहां ये भी गौरतलब है कि महिला कांस्टेबल का गैर जनपद ट्रांसफर हो चुका है, मगर बुलंदशहर में आचार संहिता लागू होने की वजह से महिला कांस्टेबल को रिलीव नहीं किया जा सका है। फिलहाल जहां महिला कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो वहीं एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, वर्ष 2019 में थाना ककोर में तैनात एक महिला आरक्षी के द्वारा तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक जो वहाँ थे ककोर में,
उनके विरुद्ध कतिपय आरोप दुर्व्यवहार के लगाए गए थे। उस प्रकरण की जांच महिला आईएएस अधिकारी श्रीमती ईशा प्रिया, जो उस समय एसडीएम खुर्जा थी, उनके नेतृत्व में गठित विशाखा समिति के द्वारा की गई। आंशिक रूप से दोषी पाए जाने पर तत्कालीन इंस्पेक्टर को प्रशासनिक आधार पर गैर जनपद भेज दिया गया था, ट्रांसफर हो गया था। इसके बाद उक्त महिला आरक्षी के द्वारा अपने फेसबुक का दुरुपयोग करते हुए जाति धर्म समुदाय के आधार पर लोगों में द्वेष पैदा करने से संबंधित तमाम और राजनैतिक टिप्पणियां बहुत ही अनर्गल और अशिष्ट टाइप की गई थी, जिसके संबंध में उपनिरीक्षक लोकेंद्र, जो उस महिला के विरुद्ध उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था डीजी कार्यालय को और वहां से जांच के लिए प्राप्त हुआ था, उसमें उस फेसबुक के सारे प्रिंटआउट लगे हुए थे। उसकी जांच कराए जाने पर पाया गया कि महिला ने विभागीय अनुशासन की सीमा को तोड़ते हुए बहुत ही आपत्तिजनक तरीके से गलत पोस्ट की हैं। उस आधार पर महिला को प्रशासनिक आधार पर डीजी मुख्यालय के निर्देशानुसार सुल्तानपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अभी तक चूँकि आचार संहिता लागू होने के कारण उसे यहाँ से रवाना नहीं किया गया है। इस बीच में जो वो उसने व्हाट्सएप पे चैटिंग की थी और व्हाट्सएप पे जो तथ्य अंकित किए थे वो आपत्तिजनक थे और आपराधिक श्रेणी में आते थे, इसलिए उस संबंध में एक अभियोग भी पंजीकृत कराया गया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।